बस हम स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर लिया है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास में आपको इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। तो आई हैव मेड माय प्रॉमिस, तो मैंने शीट निकलवा ली है आपके लिए। इस शीट में आपके पास में दोनों चीजें हैं। इस शीट के अंदर में यू हैव डेफिनेट इंटीग्रल्स एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों कंबाइंड है। क्या है? पहले मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही अकेले निकलवाए तो मुझे हाँ मतलब वो 12 पेज का था। मैंने कहा कि यार फिर एरिया बाउंड्री देखा तो फिर एरिया बाउंड भी मैंने कहा 4-5 पेज होता है तो साथ में कर देते हैं। तो ये शीट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को भेज दूंगा, और जो वीसी वाले हैं वो अगर भोले भटके इस तरफ आए तो आके ले लीजिएगा। भूल गया करवा दे। अच्छा तुम लोगों को दे दीजिए, मैं दे दूंगा तेरे ऊपर निकाल लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे एक और नाम से जाना जाता है एरिया बाउंड्री। इस नाम से भी ये आपको मिलेगा बुक्स में। जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो बेसिकली एरियाज फाइंड करने के लिए यूज होता है। अब जब किसी स्पेसिफिक किसी शेप की बात करें, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या सर्कल हो या ट्रायंगल हो, ये सब टू डायमेंशनल प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो इनका एक स्पेसिफिक इसका शेप था, और इन सारे क्योंकि ये स्पेसिफिक थे और ये कहीं ना कहीं सिमेट्रिक शेप्स है, हर तरफ से अपन को भाई रेक्टेंगल को कितने घुमा दोगे वो रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो ये सब सिमेट्रिक शेप्स होने के कारण इनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आप लोगों के पास मौजूद है कि भैया आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको बस लेंथ और ब्रेड पता होनी चाहिए, लेंथ टू बी का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लोगे। अगर आप लोगों को ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, या फिर अगर आपको तीनों साइड्स भी पता है तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे एरिया।
स्क्वायर का अगर एरिया फाइंड करना है तो मतलब आपके पास फॉर्मूला है साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब की शेप से सर्कल का निकालना है पाई आर स्क्वायर। ये सब सिमेट्रिक शेप्स होने के कारण इनके अपने आप में आपको क्या मिलते हैं, कोई फर्क कोई फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम इनके एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब जो शेप्स आप लोगों को मिलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं, पैराबोला सिमेट्रिक नहीं होता। सिमेट्रिक बनाया जा सकता है लेकिन एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम ना कि पैराबोला तो ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, ये तो चेंज होता रहता है ना, सर्कल कभी चेंज थोड़ी होता है, सर्कल की सिमेट्री चेंज होती है क्या, रेडियस चेंज कर दोगे लेकिन तो दिखने में जैसा दिखता था पहले वैसे दिखेगा, जितना 10 सेंटीमीटर का सर्कल लेता है वैसे ही दिखेगा, उसी शेप का दिखेगा, उसी तरीके का दिखेगा आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल, उसके अंदर में थोड़ी कोई बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस आ जाते हैं, तो सिमेट्री इसको कहते हैं। तो अब एलिप्स हो गया, ये सब क्या है, इन सब के हम लोगों को एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फार्मूला, स्पेसिफिक फार्मूला नहीं। तो ऐसे केसेस को करने के लिए एरिया बाउंडेड पढ़ा जाता है और इंटीग्रेशन का इसमें इस्तेमाल होता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन से, जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले से हमारा काम होना है, ठीक है। तो आइए इस पर्टिकुलर चैप्टर की बारीकियों को देखते हैं, बहुत ही फंडामेंटल चीजों तरीकों से समझाऊंगा। आइए मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर ये ग्राफ है, कैसा भी बना दो ऊपर से कवर करके बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेट ऐसे मतलब zigzag में बना दो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी एक ग्राफ बना दिया मैं, देख सकते हैं आप लोग ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक मान लेते हैं कोई भी एक सर्टेन ग्राफ है, और मुझे इस ग्राफ इस फंक्शन के अंडर कितना एरिया कवर हो रहा है ये पता करना है। तो बिना बाउंड्री बिना लिमिट्स पहली बात तो ये असंभव है, क्योंकि एरिया की कोई ना कोई तो लिमिट निकालनी पड़ेगी ना भाई, अब ऐसे तो ये कहां तक जाएगा, अगर आप इसको लिमिट नहीं करोगे तो आप कोई फिक्स एरिया निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर कितना एरिया कवर हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इसको, अच्छा इसे एक और नाम से बोला जाता है एरिया अंडर कर्व्स, ये वाला ज्यादा ये वर्ड ये नाम ज्यादा आपको फिट करेगा एरिया अंडर कर्व्स। याद रहे हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेस का एरिया फाइंड नहीं कर रहे, किसी शेप का एरिया फाइंड नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर कर्व के अंडर का एरिया फाइंड कर रहे हैं जिसे हम लोग और इंटीग्रेशन की मदद से कर रहे हैं, और इसी इंटीग्रेशन की प्रोसेस को सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का थ्री डायमेंशनल सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन यूज होता है, वो आपको हायर मैथमेटिक्स में आगे चल के मिलेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ प्लेन के ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर ये जो यहां से लेके यहां तक का जो कर्व है उसके अंडर मुझे एरिया कितना कवर हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मुझे वो पता करना है। तो आई शुड लिमिट इस कर्व फर्स्ट, मुझे पहले इसमें इसकी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी कि मुझे कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो मान लेते हैं कि इसके एक एंड मैंने यहां से रोक दिया है और एक एंड को मैंने यहां से बंद कर दिया। अब ये क्या है, ये एक ऐसी लाइन है
जो पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रही है, ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रही है। ये पॉइंट कौन सी एक्सिस के ऊपर है? मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है एक पॉइंट, और ये पॉइंट मान लेते हैं x इज इक्वल टू b है। तो अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है अंडर दिस कर्व, ये एरिया फाइंड करना है आपको। लेकिन अब ये कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, फिक्स शेप है क्या? इसका कोई फॉर्मूला है कि आपके पास नहीं है? तो इंटीग्रेशन की मदद से हम कैसे फाइंड करते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिजिक्स के डेरिवेशन में भी आपने ये सब चीजें देखी होंगी। फिजिक्स में आप किसी पर्टिकुलर चीज का जब इंटीग्रेशन करते हैं, पूरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो वो चीज एक पर्टिकुलर एक जगह से लेके एक जगह तक का आप लोग एक स्ट्रिप लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे सर्फेस का इंटीग्रेशन आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने ये सारी अप्रोच आपने फिजिक्स में देखी होगी, कॉमर्स वालों से नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम साइंस वालों ने देखी होगी। कॉमर्स वाले इसे ऐसे समझ ले कि भैया वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक शेप ना, हमारे पास इसलिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर में कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हुए इसका एरिया फाइंड करेंगे? हम उस पूरे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के उस पूरे कर्व को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, और उनमें किसी भी एक स्ट्रिप को विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, होल लिमिट अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इतने यहां से लेके यहां तक की चीज का अगर इंटीग्रेशन निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक की चीज का अगर इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो उसके बाद अगर हम लोग उसको विद इन ए टू बी पूरा अगर इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट के अंदर में, तो पूरे कर्व का एरिया के अंदर का कर्व का एरिया पता चल जाएगा। मैं किसी एक कर्व का एरिया नहीं निकाल रहा हूं, अंडर द कर्व मतलब ये, मैं अगर इसे नाम दे दूं, इसे नाम दे दूं मैं ए, इसे नाम दे दूं मैं बी, इसे नाम दे दूं मैं सी, इसे नाम दे दूं मैं डी, बीच में एक पॉइंट दे दिया मैंने चलो ई, तो मैंने ये पूरा जो पूरा का पूरा क्लोज फिगर दिख रहा है ना आपको, मैं इस पूरे के एरिया की बात कर रहा हूं। कर्व तो सिर्फ इतना है, उसके अंदर का पूरा एरिया फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर जगह से लेके एक पर्टिकुलर जगह तक की एक वर्टिकल स्ट्रिप मैंने इमेजिन कर, एक वर्टिकल स्ट्रिप, अंकिता ध्यान से देखना है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के एरिया को मैं कब एरिया फाइंड करूंगा, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया है इसके अंदर तक का, लेकिन मैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दूंगा, पूरा ए से लेके बी तक। भाई यहां से जो फंक्शन की वैल्यू शुरू होगी, फंक्शन चेंज थोड़ी होगा। अगर ये मान ले किसी सर्कल का हिस्सा है, सर्फेस, अगर मान लेते हैं सर्कल के अंदर बात करूं, तो सर्कल एक ऐसा शेप है जिसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, तो अगर मैं उसे इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो सर्कल की इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, भाई बी से यहां तक भी वही फॉलो हो रही होगी, इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी अगर सर्कल बन गया है, या यहां से लेके यहां तक में भी वही सेम इक्वेशन चल रही होगी। तो मेरा कहना यह है कि जो कर्व y इक्वल टू fx डी पॉइंट से शुरू हुआ था और सी पॉइंट तक चल रहा है, मैं E पॉइंट से लेके F पॉइंट तक लूंगा तो अलग मिलेगा क्या, और यहां से लेके यहां तक लूंगा तो कोई अलग इक्वेशन बन जाएगी क्या? नहीं, वो तो उसी का ग्राफ है ना। तो इसलिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिप, एक जगह से लेके एक जगह तक का इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन उठाएंगे, लेकिन उसे इंटीग्रेट पूरी विद इन द लिमिट कर देंगे, तो पूरे डी से लेके सी तक के अंडर तक का कर्व का एरिया पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन जितने लोग बैठे उनको समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे प्रोसेस ये होती है कि ये जो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, ये जो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, इस वर्टिकल स्ट्रिप की एक पर्टिकुलर, ध्यान से देखें तो एक विड्थ है,
लेट इट बी dx. और ये जो होता है ये y का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस. तो मान लेता हूं कि इस वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू है y. अगर गौर से देखो, क्योंकि ये तो मैंने क्या है ना, बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज बनाई है तुम्हारे सामने. अदरवाइज ये जो सरफेस है वो जगह जगह पे न जाने कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड, वो सॉरी पार्ट्स में डिवाइड होंगे. तो अगर हर एक छोटे से पार्ट को भी अगर इमेजिन करोगे तो वो अपने आप में एक तरीके का रेक्टेंगल होगा वो, क्योंकि नीचे से तो वो दिख रहा है आपको, लेकिन आप ऊपर से हो सकता है सोचो कि सर ये रेक्टेंगल तो है नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो ये वो इस पूरे यहां से लेके यहां तक का एक बहुत ही मतलब एक हिस्सा है. और मैंने ऐसे n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़े कर दिए उसके इनफाइनाइट. तो आप खुद बताओ कि अगर मैं इसके इनफाइनाइट टुकड़े करूंगा तो क्या ये इसके इसके अंदर ये जो कर्व हो रहा है, क्या इस कर्व का इफेक्ट उसके इस विड्थ पे पड़ेगा क्या? वो दिखेगा तो एक स्ट्रेट ही ना, वो अज्यूम तो एक स्ट्रेट जैसा ही होगा. आप याद करो जब आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा करते थे तो उसमें जो सरफेस एरिया ऑफ कोण होता था वो निकाला जाता था. वो कैसे करके निकाला जाता था? एक ऐसा सेक्टर रहता था, इसी सेक्टर में ये वाला तो कर्व पार्ट होता था, लेकिन इसको अपन लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करते थे. अब कई लोग ये बोलते थे उस समय कि सर ट्राइंगल कैसे हो सकता है, वो तो कर्व है. मैंने कहा कि अगर आप उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में बांट दोगे तो आपको उसके कर्व का पता ही नहीं चलेगा, वो तो एक अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ही होगी. तो वही चीज यहां पे हो रही है. मैं तो आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं, बट इस कर्व के अंडर में ये चीज अपने आप में एक तरीके का स्ट्रेट लाइन ही है, एंड दैट इज व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ रेक्टेंगल. और अगर वो रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों, तो मुझे एक बार बताओ क्या आप लोगों को रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या? एल इंटू बी. मुझे एक बात बताइए, इस स्ट्रिप की एक पर्टिकुलर लेंथ दिख रही है dx और एक पर्टिकुलर विड्थ दिख रही है y. तो अगर आपको किसी पूरे कर्व का एरिया निकालना है विद इन अ लिमिट a टू b, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन अ लिमिट a टू b, दिस इज द कंसेप्ट कि आप उस पर्टिकुलर कर्व, भाई y क्या है, ध्यान से देखो y क्या है, आपका कर्व है लेंथ, और उस कर्व को आपने विद इन अ लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? तो एरिया का फॉर्मूला एग्जैक्टली इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डीएक्स. और आपको ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है, अभी तक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा था वही तो चल रहा है. वाई वॉज द फंक्शन ओनली ना. अगर मैं इसे ऐसे ना लिखूंगा तो y की जगह पे मैं fx भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि y किसके बराबर है. तो अभी तक आप लोग यही तो करते आ रहे हो, और जो मेरे स्कूल वाले हैं उनको तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया मैंने, लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया. तो एक बार तुम लोग a और b को हटा के सोचो, क्या कुछ बदल गया? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx का ये फॉर्मेट तुमने पहले कभी नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा. बस अब इसी चीज में a से लेके b जो आ गई है वो लिमिट आ गई है, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं. अगर हम लोग विद इन अ लिमिट नहीं फाइंड करेंगे तो एरिया तो कुछ भी आएगा. तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों? क्योंकि हम लोग अब जिस चीज का एरिया फाइंड कर रहे हैं वो एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप नहीं है, कोई पर्टिकुलर सिमेट्रिक शेप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्व है. और कर्व का एरिया नहीं फाइंड होता, कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है हम वो फाइंड कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो हम किसकी मदद से वो फाइंड करते हैं? इंटीग्रेशन. और फिर उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसे पहले विद इन अ लिमिट सेट कर देते हैं.
और उस लिमिट को सेट करने के बाद में भाई वो तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये कोई शेप है नहीं कि हम लोग कोई एक लेंथ इनटू ब्रेड का नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा ले या कोई भी पर्टिकुलर शेप का फॉर्मूला लगा के हम नहीं निकाल सकते ए से लेके बी तक का पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला कोई है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको अभी हॉरिजॉन्टल वाला भी बताऊंगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स हैं उसको निकालने का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है y into dx और क्योंकि हमें पूरा एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक का एरिया निकालना होता है इसलिए हम उसको उस लिमिट के अंदर में इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम a टू b। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपी करिए इस चीज को। इलेवेंथ की वो जो ड्रॉवर है ना उसमें इलेवेंथ की थर्मोडायनेमिक और स्टेट ऑफ मैटर की शीट रखी है। स्टेट ऑफ मैटर भी इधर वो सिर्फ एक बच्ची है दो बच्ची है फर्मों की एक ही है देखा वो उनको बोल देना कल करवा के देते हैं डन एवरीवन ठीक है। तो ये अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करना है मतलब अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में है तो उसका एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया a टू b y dx और ये एरिया निकलता है जो कर्व होता है वो और x एक्सिस के बीच का। यही फिगर मैं चेंज करके y एक्सिस के साथ भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ये होगा ना क्योंकि अब वैल्यूज जो होंगी वो y एक्सिस के ऊपर होंगी इसलिए y इज इक्वल टू a मान लेता हूं और ये y इज इक्वल टू b ले लेता हूं और इस बार क्योंकि जो फंक्शन है वो y एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो ये फंक्शन मोस्टली पता है किस फॉर्म में होगा जैसे y इक्वल टू fx था तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बात समझ में आ रही है। ऑफ
पूरा का पूरा काम वही रहेगा। अब ये रहा आपका एरिया, इसमें ये एरिया फाइंड करने के लिए क्योंकि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तब आप क्या करोगे, वही वर्टिकल स्ट्रिप को अब आप ऐसे बनाओगे और सिर्फ इसका एरिया फाइंड करोगे, फिर पूरे को फाइंड करके एरिया फाइंड करके इंटीग्रेट कर दोगे ए टू बी, तो पूरे इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व मिल जाए। समझ आ रही बात? ये भी कॉपी करिए। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू बी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि इस बार ये विड्थ जो होगी ये होगी डी वाई और एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन है, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो एक्स का ही होगा। समझ आ रही बात? अमन, वो उसमें ब्लैक इंक भरी हुई, मैंने रेड डाल दिया, नहीं डल रहा ना, वो ब्लैक ही चल रहा है, खराब हो चुका है, उसको फेंको, उसमें डालो, पहले चेक कर लेना। हाँ पलक, नहीं बेटा मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ कैमरे से। चलिए तो आप ये सब चीज रब कर रहा हूं मैं। अब आप लोगों को जिस कर्व के अंडर एरिया के अंडर के एरिया फाइंड करने हैं वो आप लोगों के सिलेबस के अंदर में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो जो यूज होंगे। जैसे आपको पैराबोला का इस्तेमाल करना आना चाहिए, पैराबोला की इक्वेशंस याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड काम आने चाहिए। ये 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो वही उसी टॉपिक पे बेस्ड है ये वाला। स्ट्रेट लाइन तो चलो चले गई, स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन वाली। इसके बाद इलिप्स भी है, वो भी आएगा क्वेश्चन में, सर्कल भी आएगा आपके पास, फिर एक दो स्टैंडर्ड फंक्शंस में भी आएंगे जैसे लॉगरिथमिक, लॉग एक्स का ग्राफ वो भी बताऊंगा मैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और अगर बात करूं फंक्शन में और स्टैंडर्ड में, मॉड एक्स का ग्राफ, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाते हैं ना उन सब फंक्शंस के अंडर का एरिया फाइंड कर सकते हैं अपन लोग विद इन अ लिमिट।
ये सब है जिनसे डील करना है अपने को। अब इसमें यहां से लेके यहां तक और चलो इवन मॉड एक्स ये स्कूल एग्जाम्स में आता है, लेकिन लॉग एक्स जो है वो स्कूल एग्जाम में मुश्किल, हाँ कॉम्पिटेटिव में मिलता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे अपन उसका। तो अब बात आती है कि भैया आपको इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि पैराबोला के इक्वेशंस आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। चार तरीके के पैराबोला थे, स्ट्रेट लाइन तो चलो ठीक है स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स पता होना चाहिए, सर्कल में पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। हाइपरबोला भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, मुश्किल है लेकिन फिर भी हाइपरबोला जब 11 में नहीं आया और 12 में क्या आएगा, लेकिन फिर भी हाइपरबोला भी एंटर करके रखे अपन। लेकिन एक्चुअली हाइपरबोला कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होता, हाँ वो सब तो ऑलरेडी चलेंगे, वो तो इनके साथ क्लब भी हो जाएंगे, लिख देता हूं उसको भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पागल, इससे कैसे पीछे छुड़ाओगे, कैसी बातें कर। तो ये सब के सब फंक्शंस का डिस्कशन करना है हमें। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले जिन जिन चीजों की जरूरत है, फटाफट मैं उससे शुरुआत करता हूं। तो पहले आपके पुराने पाप धोते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको नए आपसे नए पाप करवाऊंगा। तो अबाउट पैराबोला, मैं पैराबोला की इक्वेशंस याद होनी चाहिए आपको, चार तरीके के पैराबोलाज होंगे, चार तरीके के पैराबोलाज होंगे आपके पास, राइट हैंडेड पैराबोला, आपको सिर्फ ये शेप्स होने चाहिए यार, क्योंकि आपको कोई फिगर जो बनाना है, ग्राफ बनाना है, वो कोई सिमेट्रिक ग्राफ नहीं बनाना है या कोई आपको पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करके नहीं बनाना है, ये सब आपको रफ काम करना है। क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशन देख के अगर इक्वेशन दिख गई आपको कि इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, उसका ग्राफ ही होता है, उसका ग्राफ ही होता है। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, तो ये होता है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसका मुंह खुला होगा लेफ्ट की तरफ। फिर आता है अपवर्ड x स्क्वायर, अपवर्ड डाउनवर्ड में x के रेस्पेक्ट में होता है, x सिमेट्रिक के सिमेट्रिक चलता है तो उसके ऊपर स्क्वायर चलता है, तो फोर ए वाई, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। और फिर डाउनवर्ड यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो उतार लीजिए अपने पास इक्वेशंस के साथ फटाफट। y square equal to 4x के फॉर्म में अगर इक्वेशन होगी तो राइट हैंडेड पैराबोला, y square equal to minus 4x के फॉर्म में होगी तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, x square equal to 4ay के फॉर्म में इक्वेशन होगी तो अपवर्ड पैराबोला, और x square equal to minus 4ay के फॉर्म में इक्वेशन होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये चार फॉर्मेट से पैराबोला। इन सब के लिए जो ए है ये फोकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है,
फ्रॉम द ओरिजिन. फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब यहां कहीं होगा अगर फोकस, तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे. यही चीज इसमें भी, यही चीज उसमें भी. अब इसमें जो है वो ए यहां आ जाता है. रख कर दूं, ऑनलाइन वालों में सभी का ध्यान है, मैं हटा दूं यहां से. और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का डे वन है. क्योंकि शाम को भी क्लास है तो मुझे लगता है डे वन ना रखते हुए इसे लेक्चर वन लिख देते हैं अपन. शाम वाला हो जाएगा लेक्चर टू. रिकॉर्डिंग आपको बता ही चुका था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस चीज को जानबूझ के, ताकि स्कूल वालों को भी फायदा मिले. तो ये लेक्चर वन है, रात में जो होगा वो लेक्चर टू होगा उसका. तो ये बात होगी, मैंने बताया अभी पैराबोला के बारे में. स्ट्रेट लाइन, बोले सर स्ट्रेट लाइन की क्या जरूरत है, मैं बताता हूं ना जरूरत है. स्ट्रेट लाइन के तुम्हारे, तुमने अभी तक जो पढ़ा है फॉर्म, वो पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन हम इसके वजह से नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें मैंने क्या कहा कि अगर तुम्हें इक्वेशन दे देगा तो तुम पागल थोड़ी हो कि तुम पूरा का पूरा वो बचपन में जैसे 9th 10th में पूरा टेबल बनाते थे, तीन चार वैल्यूज का इस्तेमाल करते थे, जहां जहां करते थे और फिर सारे पॉइंट्स को जॉइन करते थे तो स्ट्रेट लाइन बनती थी. तो वो वाला काम नहीं करना है अपने को. अपने को अब डायरेक्टली जो इक्वेशन दी जाएगी उससे डायरेक्टली ग्राफ बनाना है. तो चार तरीके के ग्राफ बनते हैं स्ट्रेट लाइन में, चार फॉर्मेट्स. और वो कैसे पता चलता है, उसके इस स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं, उसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो कि होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू एम एक्स, ये कुछ नहीं है जो अभी आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा था ना, उसी को आपने इसको कन्वर्ट किया. इसमें कैसे किया होगा भैया, वाई वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, एक्स वालों को टर्म को इधर भेज दिया, और वाई के कोएफिशिएंट को वन रखने के लिए बी की वैल्यू को डिवाइड कर दिया. वो जनरल जो चलता है भाई. लेकिन आपको हमेशा अगर ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप बिना पेंसिल को वो प्लॉटिंग किए डायरेक्टली आप ग्राफ बना दोगे रफली. जो बोले ना आप लोग फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो या पूरा का पूरा लेके स्केल पेंसिल लेके बैठते हो क्या करने के लिए, नहीं, अपन लोग अंदाजे से चीजें बनाएंगे क्योंकि अपने पास वो टाइम नहीं है, वो गॉन आर डेज. तो इसके भी चार फॉर्मेट्स हैं, एक है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी खुद, एक है वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एक है वाई इज इक्वल टू माइनस सॉरी एम एक्स माइनस सी, और एक है आप लोगों का y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी. क्या डिफरेंस आ रहा है, स्लोप. इसमें m कहलाता है स्लोप, m को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, मतलब वो कितनी इंक्लाइंड है वो m रिप्रेजेंट कर, m बताता है वो लाइन कितनी स्लांटेड है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इतना 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 इतना, उससे निकलता है m की वैल्यू. और C is called as intercept. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो intercept क्या हुआ करता था. मान लेते हैं ये रहा वो ग्राफ, तो C का मतलब होता था, intercept का मतलब होता था
कि वो जो ग्राफ है, जो लाइन बनाई है आपने, वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जरूर निकलेगा। जब कोई भी ग्राफ बनाते हो तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अपनी छाप जरूर छोड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, हमेशा छोड़ता है। तो वो जो y एक्सिस पे उसने जो पॉइंट दिया है ना, जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट हुआ है वो y एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ लाइन का जो होगा उनके बीच की दूरी को कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ये एक इंटरसेप्ट और m इन दोनों पे डिपेंड करता है कि कैसा ग्राफ बनेगा। अब y इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ है और जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। दिस इज द साइन। ये इसी तरीके का रूप में बनेगा, चाहे इक्वेशन कोई भी हो, इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 हो, इक्वेशन y इज इक्वल टू 3/4x माइनस प्लस 2 हो, कैसी भी हो, x के कोएफिशिएंट की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, नेचुरल में हो, c की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, नेचुरल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन से इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है, m और c दोनों के साइन अगर प्लस है तो ग्राफ कैसा भी बनेगा, कम ज्यादा नीचे ऊपर कैसा भी होगा, लेकिन शेप जो तरीका होगा बनने का वो यही होगा, मतलब इंक्रीजिंग। ऐसा x एक्सिस के ऊपर से ही कटेगा, क्यों, क्योंकि c क्या है, और यही तो c होता था, बताया था अभी मैंने कि जो ग्राफ हमारा y एक्सिस पे जो पॉइंट देता है एक्सिस के साथ लाइन के साथ में, वही पॉइंट क्या कहलाता है आपका, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो सी कहलाता है, उसको पॉजिटिव वाला रखना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनना से ही निकलनी चाहिए वो लाइन, और स्लोप पॉजिटिव है, वो बात किस बात से पता चलता है, एंगल, एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल जो बनाया है, अगर एंगल एक्यूट है तो एम पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर वो ऑब्ट्यूज है तो हमेशा निगेटिव, इन दो ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब यही चीज इन बातों, इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए ये बना सकते हो, भाई m की वैल्यू, इसका मतलब एंगल जो इस बार बनेगा लाइन के द्वारा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, c विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब अभी भी जो फिगर बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, तो मैं अब इसका ग्राफ पता है कैसे बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये देखो एंगल, ये देख लो, ये एंगल तो ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए वो उसकी m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी दोस्तों, लेकिन c के पॉजिटिव रखना था इसलिए x एक्सिस के ऊपर ही इंटरसेक्ट करवाया मैंने, देखो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको ये फॉर्मेट्स को दिमाग में बैठाना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा समय ले लेंगे इसके क्वेश्चन को करने के लिए, कर तब भी लेंगे लेकिन समय ले लेंगे। जब इसकी बात आती है तब इस बार स्लोप को पॉजिटिव रखना है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे बनाऊंगा, इस बार पास कराऊंगा, स्लोप को पॉजिटिव रखना है लेकिन एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू नेगेटिव, बात समझ में आ रही है, ये देखो c की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि x एक्सिस के नीचे, भाई नेगेटिव y एक्सिस पे मिल रहा है ना ये डिस्टेंस, उससे डिसाइड, और यही चीज अगर मैं इसमें बना दूंगा y इक्वल टू माइनस mx माइनस cv में, स्लोप भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एंगल नेगेटिव है उसके अंदर, और ये भी नेगेटिव,
तो आप इक्वेशन को देख के अंदाजा लगा लोगे कि वो इक्वेशन किस कैटेगरी में फॉल हो रही है, इसमें 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 या इसमें। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये रही बात स्ट्रेट लाइन की। सर्कल में कोई वेरिएशंस नहीं होते, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है, उसी फॉर्म में वही चीज इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है। पैराबोला में होता था, मैंने बता दिया आपको। हटा दूं? स्कूल वालों को समझ में आ रहा है? हर्षित विश्वकर्मा है क्या यहां पे? ठीक है। अभिषेक पांडे, नहीं चल हटा रहा हूं आई। अगला कर्व है आपका एलिप्स। अगला कर्व है एलिप्स, ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसा दिखता है, जिस एलिप्स का जो जो एलिप्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ज्यादा एरिया कवर करता है उसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स। देख लो ध्यान से, एक्स एक्सिस में उसने ज्यादा एरिया कवर करा है, वाई एक्सिस में उसने कम एरिया कवर किया, ऐसे एलिप्स को कहते हैं हम लोग। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, इसमें कंडीशन ये होती है कि जो a होता है ना x के नीचे वाला जो वेरिएबल होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है। ये जो बातें बता रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ उतनी चीजें लिखूंगा जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चीजें तो बहुत सारी है, डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेटर सेक्टम भी आ जाएगा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देख के आप लोग, जैसे इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो आपको देख गया कि भैया इसे लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, इसे लिखोगे 2 का स्क्वायर, आपको मालूम है 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन को, कौन से इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ बनाओगे तो किसका बनाओगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बात समझ में आ रही है? और वही चीज वर्टिकल इलिप्स में y एक्सिस के अलोंग जो ज्यादा एरिया कवर करता है, वाइड एरिया कवर करता है ये वाला। इसमें इक्वेशन आप वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मेट, लेकिन a इज लेस देन स्मॉलर देन, बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा ही होगा या तो बड़ा ही होगा, बराबर हो गया तो एलिप्स थोड़ी बनेगा, सर्कल बन जाएगा। ये सब अभी आप समझ लो कि अभी आपने चैप्टर शुरू किया ही नहीं है, ये सब आपकी पुरानी चीजें हैं, जो मेरा ही नहीं हर टीचर का फर्ज बनता है, वो ये बोल के पीछा नहीं छोड़ा सकता कि भैया 11 में तो तुमने पढ़ा होगा। मैं भले ही आपको ताना मारूं कि तुम्हारे पुराने पाप है, लेकिन कराना मुझे है, ये बात भी मुझे पता है। क्या बोल रहा है? इलेवेंथ में कॉनिक सेक्शन छोड़ दिया था। हाँ सही बोल रहा है शायद। चलो आपको पूरा का पूरा 11th का वो पूरा पार्ट तो याद होने की जरूरत है ही नहीं, आपको जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, रूप हैं बस। सर्कल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, एक ही होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें ये होता है सर्कल, इसमें h कॉमा k जो होते हैं वो उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और r होता है जो वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। इसी का स्पेशल केस जो है जिसमें इमेजिन करिए कि सर्कल को पूरा का पूरा ऐसे उठा के यहां पे ऐसे सेट कर दूं कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ जाए, यानी कुछ ऐसा। एक्चुअली इस पे वर्क करना है, आपने इस पे ज्यादा वर्क करना है, क्वेश्चन इसके भी नहीं है, एक दो ज्यादा से वो भी एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा कर रहा हूं, इसी पे वर्क करना है। तो आपके लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई h, k की वैल्यू क्या हो गई, वो कहां आ गया, सेंटर पे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सेंटर के, 0, 0 ओरिजिन के, तो h, k की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां रख दोगे तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे वर्क करना है, इससे डील करना है। बस अब मैं जैसे log x है, चलो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैं भी बता देता हूँ sin x का cos x का, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं।
अब इन जो भी ये कर्व है ये सब, इन सब कर्व के जो इक्वेशन है वो आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रफली आपको रफली के तौर पे बनाना पड़ेगा। और उसके बाद बनाने के बाद में आप एरिया के लिए जो भी काम करोगे वो करोगे, ठीक है। अब वो एरिया जब आएंगे, जो भी कर्व आपने पढ़े, चाहे वो सर्कल का पढ़ा, चाहे वो एलिप्स का पढ़ा, ये सब जो आपने एरियाज पढ़े, स्पेशली सर्कल और एलिप्स, इन सब के एरियाज फाइंड करने के लिए भाई फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए, वाई डी एक्स, जिसमें वाई जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो आपके सामने वो वाई की वैल्यू आएगी ना, वाई के रूप में, वाई के नाम पे, वो आपके इन इंटीग्रल्स के फॉर्म में होगी, स्पेशल इंटीग्रेशन पार्ट टू। याद है मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर जो ये जो स्कूल वाले, मैंने उनको पिछली क्लास में ये बात बताया था कि स्पेशल इंटीग्रेशन में टोटल 9 फॉर्मूलेज होते हैं, जिनमें से मैंने पार्ट 1 में 6 फॉर्मूलेज बताए थे, और मैंने फिर ये कहा था कि पार्ट 2 अभी मैं आगे बताऊंगा, और फिर मैंने उस बार में ये भी कहा था कि अगले चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। तो यही है वो तीन फॉर्मेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर का डीएक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले में ये फॉर्मूला था आपका एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। मैं प्लस सी इसलिए भी लगा रहा हूं क्योंकि हम लोग लिमिट के अंदर काम करेंगे, तो हमें सी तो लगाना ही नहीं है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो यूज ही नहीं होना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, शाबाश, माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये राइट में लिख रहा हूं, जिसको दिक्कत हो समझ में नहीं आया पूछ लेना एक बार कि क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को दिक्कत आए तो। ये होता है x by 2 अंडर रूट ऑफ x square प्लस a square प्लस a square by 2 tan इन नहीं log मॉड में x प्लस अंडर रूट x square प्लस a। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले को याद रखना भी बड़ा ही आसान है, जिसका फॉर्मूला है x by 2 के साथ वो आएगा। x by 2 देखो हमने तीनों में, साथ में वो है जिसका फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद की कहानी जो तुम लोगों ने स्कूल वालों, जो तुम लोगों ने 6 फॉर्मूले पढ़े थे ना, अगर तुमने घर पे बैठ के शिद्दत से याद किया होगा तो ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था डिनोमिनेटर में, उसमें साइन आता था, तो सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाय लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसके बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। अब इन फॉर्मूले के अलावा फंक्शंस के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन एक्स ये ग्राफ होता है उसका, इधर भी जाता है। इसमें ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाता है एक्सिस के ऊपर वो है 0 पाए 2 पाए 3 पाए एंड सो ऑन। कॉस एक्स का दिखने में ऐसे ही है, बस उसके इंटरवल्स छोटे छोटे होते हैं, यहां से
पहले आता है जीरो जो होता है सबसे पहले वो पाई बाय टू पे होता है, ये बीच में आता है आपका पाई, फिर थ्री पाई बाय टू, फिर ये होता है टू पाई, फिर ये होता है फाइव पाई बाय टू, और फिर ये होता है आपका थ्री पाई, ऐसे करते करते ये बना के रख लीजिए आपके पास। बस अब हम तैयार हैं क्वेश्चन के लिए। वो 11th का बच्चा है, वो भूल गया था कि आज एमडब्ल्यू ये टीटीएस है, उनको अटेंड करने आ गया मैथ्स की क्लास। चलिए तो जितना समय बचा है उसमें अपन लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन का स्वाद भी चखा दिया जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो शुरुआत में आपके एनसीईआरटी से ही करूंगा, तो जितने लोग अपने ऑनलाइन बैठे हुए हैं अपनी एनसीईआरटी ओपन करें और उन्हें ऐसे पहला लागू दो मिनट करें और सामने ऐसे शुरू हो जाएंगे अपन। आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आइए, इतनी सारी चीजें जो इंग्लिश में लिख रहा है वो उसका मतलब ये है, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू x, कर्व तो यही है, इसके अलावा जो दिया है वो दिया है तो वो तो सपोर्टिंग कोऑर्डिनेट्स है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ये सब स्ट्रेट लाइंस है, और उसने बोला है कि आपको जो एरिया बनाना है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ बनाना है, x एक्सिस, वो भी किस क्वाड्रेंट के वाला एरिया यूज करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी सारी चीजें जानकारियां मैंने पहले आपके सामने लिखी थी। तो अब ये बताओ मुझे कि y स्क्वायर इक्वल टू x लुक्स लाइक y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी राइट हैंडेड पैराबोला। तो इस राइट हैंडेड पैराबोला की शक्ल कुछ ऐसे दिखेगी, यही आपका y स्क्वायर इक्वल टू x। अरे ऑनलाइन वालों बोल देख रहे हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, अब x इक्वल टू 1 बोल रहा है, ये x एक्सिस तो ये रहा ना, तो कहीं मान लेते हैं x इक्वल टू 1 ये था, x इक्वल टू 1 का मतलब समझते हो, x इक्वल टू एनी वैल्यू, एनी इंटीग्रल वैल्यू, चाहे वो प्लस वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू, उसका मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई क्योंकि x की वैल्यू अगर इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करोगे
तो वो ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद एक्सिस के ऊपर है वो लाइन। तो लाइन अगर जो ड्रॉ होगी वो सिर्फ ऐसे होगी, और ये लाइन जो ड्रॉ करी आपने x इक्वल टू वन, ये किसके पैरेलल चल रही है? ऐसे ही x इक्वल टू फोर, इससे आगे जाके कहीं मिलेगा? मान लेते हैं यहां मिल रहा है, ये रहा x इक्वल टू फोर। अब एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें कर्व कौन सा दिख रहा है तुमको? यहां से लेकर यहां तक इसके अंडर का एरिया किसके साथ? मतलब यही वाला पार्ट देखना है हमें, वाई एक्सिस के साथ में तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद किस क्वाड्रेंट में? तुम्हें नहीं लगता कि ये एरिया फाइंड करना है तुम्हें? भाई तुम्हें ऐसा एरिया यूज करना है, शेड करना है, इसे कहते हैं फीजिबल रीजन। हम लोग इसे क्या कहते हैं? फीजिबल रीजन। तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था जब हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था, तब समझाया था मैंने। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इस रीजन को, एरिया बाउंडेड ये जो हो रहा है ना, इसी के कहते हैं हम लोग फीजिबल रीजन। हमारे लिए हर वो चीज फीजिबल है जिसके बारे में हमें वर्क करना है, जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। और वो हमें किसके ऊपर वर्क करना है? उस एरिया के ऊपर वर्क करना है जो इस कर्व के अंदर और इस x इक्वल टू वन और x इक्वल टू फोर, इन सबको इंक्लूड करे। बाकी तो फिर ये बोला गया था कि x एक्सिस के साथ होना चाहिए, y एक्सिस को नहीं देखना, फिर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो एरिया तो यहां भी बन रहा है ये देखो। लेकिन क्या हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ले सकते हैं क्या? वी आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब ये रहा वो एरिया, अगर इसे मैं नाम दे दूं, इसे बोल दूं ए, इसे बोल दूं मैं बी, इसे बोल दूं मैं सी, इसे बोल दूं मैं डी, तो हमें ये ए बी सी डी का एरिया कवर करना है, निकालना है। और उसको निकालने के लिए मुझे लिमिट्स की जरूरत पता होनी चाहिए, लिमिट्स की वैल्यू तो है ना पता। तुम आके देखो, अच्छे खोल आके खोल के देखो ध्यान से, ये बी के कोऑर्डिनेट्स को पहले बता दो क्या होंगे? 1, 0। अरे बोलो, इस सी के पॉइंट्स के क्या होंगे? तो ये तो मिल गए, ये भी देख लो तुम, एरिया अंडर द कर्व बोल रहा है, लिमिट भी उसकी होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम किसके रिस्पेक्ट में, किसके एक्स के, कौन सी एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं, इसका मतलब लिमिट भी किसकी यूज होगी? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू तो ए कोऑर्डिनेट में यहां पे भी वही होगी, 1/1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट ए है, क्या ये इस कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और लाइन एक्स इक्वल टू वन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कर्व क्या है ये रहा? इस कर्व का इस एक्स इक्वल टू वन के साथ ये ए पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दो लोगों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, याद है? तो हम करेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इस y स्क्वायर इज इक्वल टू x, हमारे कर्व में x की वैल्यू क्या दी हुई है, बस वो डाल देंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितनी आएगी? प्लस माइनस। लेकिन माइनस वाला लेना है अपने को, क्योंकि हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करना है, इसलिए हमारे पास में ये y का इस 1 को रखने पर y की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास? 1। तो इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों आ गए 1, 1। ऐसे d के भी निकाल लो, और जो d है इस बार, जो d वाला पॉइंट है वो किन किन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कर्व और x इक्वल टू 4 वाली लाइन का, है ना? तो वो कैसे, इस बार उस y स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी x में मैं क्या रखूंगा x की जगह पे? तो y स्क्वायर, y इज इक्वल टू इस बार पॉजिटिव 2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4। और y का क्या आया आपके पास? लेकिन हम किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया फाइंड कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसलिए कोऑर्डिनेट भी किसके यूज होंगे? लिमिट के लिए। तो कर्व के केस में देखना, यहां मत देखा करो कभी भी लिमिट के लिए। आप तो ऐसा समझो कि वो तो उसकी ट्रेसिंग होती है, आप सिर्फ कर्व के ऊपर जो लिमिट्स दिख रही है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, उसके एक्स की वैल्यूज उठाया करो, वो आपके लिए लिमिट होती है। तो वो भी हमारे लिए क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट? 1, 4। चलिए,
तो हमने आप सब काम कर लिया है, लिमिट निकाल लिया है। फंक्शन होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम किसके अंडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए टू बी वाई डी एक्स, यही फॉर्मूला था। मुझे एक बार बताइए, y की वैल्यू अगर आप फंक्शन से निकालते हो तो y स्क्वायर अगर इक्वल टू x है तो y इक्वल टू रूट एक्स होगा, तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी उसे एक रूट एक्स की, 1 से लेके 4 रूट एक्स dx, बस इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, ये तो जनरल है, रूट एक्स मतलब x की पावर 1 बाय 2, x की पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, That means 2 by 3, x की पावर 3 by 2, तो एरिया आ गया आपके पास में 2 by 3, ये 3 by 2, नीचे जब से ऊपर जब जाएगा तो 2 by 3 बन जाएगा, multiply by x की पावर 3 by 2, और लिमिट हो गई 1 to 4, सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14 by square units, ये आपका आंसर है। मतलब यहां से इस कर्व के अंडर इन बाउंड्रीज के साथ और इस एक्स एक्सिस के अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एरिया कवर हो रहा है उसका एरिया का वैल्यू कितनी है, 14 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। वीडियो पॉज हो गई, एक बार ऋषिका वो कर ले, रिजॉइन कर ले, अटक रही हो सकता हो, क्या आप लोगों को एरिया फाइंड करना समझ में आया? जल्दी से कॉपी करिए, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, नो चेंज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, 8.1 पहला जो क्वेश्चन करवाया है वैसा ही सेकेंड क्वेश्चन है, वैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस बनाना है, विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस बनाना है आपको, ठीक है, तो आप वैसे निकालेंगे एक्स डी वाई वाले फॉर्मूले से। फोर्थ वाला मैं करवाऊंगा क्योंकि वो नया आइटम आ चुका है हमारे पास। जल्दी करिए भाई फटाफट सब लोग, ताकि मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करवाऊं और क्लास वाइंड अप करूं। ऑनलाइन में जाते ना क्या? नहीं, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, सेकंड एंड थर्ड योर होमवर्क आप लोग घर पे करेंगे क्योंकि सेम इसी अप्रोच के साथ इन्हीं फिगर्स के साथ बनना है। थर्ड वाले में जो बनेगा वो x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, काम पूरा का पूरा यही, ऐसे लिमिट भी निकालेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय
find the area of the region bounded by x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1. ये क्या है? Horizontal ellipse. Horizontal ellipse. और उस पूरे ellipse का area find करना है. इस बार कोई वो नहीं है कि अपने को देखो आपको याद आ रहा होगा कि कैसा बनता था वो horizontal ellipse. और ये एक standard horizontal ellipse है. जब यहां x और y singular form में exist करें ना तो समझ जाना है कि वो ऐसा एलिप्स है जिसका जो सेंटर है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाइन करता है सिमेट्रिक. अगर वहां x माइनस वन x प्लस टू y माइनस थ्री इस टाइप की वैल्यूज आ जाए तो समझ जाना कि ये जो एलिप्स है वो शिफ्टेड एलिप्स होगा. तो फिलहाल हमें उस पर काम ही नहीं करना. तो इस तरह के एलिप्स में अब ये पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए आपको. तो आप क्या करोगे, आप जनरल जो एक 10th क्लास या 9th क्लास के बच्चे का जो दिमाग होता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर मैं एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे वर्क करके इतने हिस्से का एरिया निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा. वही करना है क्योंकि अपन चारों का थोड़ी निकालेंगे, कितनी स्ट्रिप्स बनाएंगे बार बार. तो आप किसी एक पे वर्क करोगे विदिन अ पर्टिकुलर लिमिट, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो एक पर्टिकुलर रेंज एक पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया ऐसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको टोटल एलिप्स का एरिया. आइए तो अब इस पे वर्क करते हैं अपन. तो ये मैंने एलिप्स बनाया है, इस एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 16 यानी 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्योंकि ये जो है x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसकी इक्वेशन इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b y dx. मैं चाहूं तो x dy से भी निकाल सकता हूं, उसके लिए मुझे वर्टिकल एलिप्स की बजाय हॉरिजॉन्टल एलिप्स एलिप्स वही रहेगा लेकिन जो स्ट्रिप्स बनानी होंगी वो ऐसे बनानी होगी. बताया ना मैंने अभी बीच में, तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. तो आप किसी भी तरीके से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिमेट्रिक है क्योंकि. तो y dx अगर आप लेके चल रहे हो तो कुल मिला के आपको इस हमारे इक्वेशन को y के टर्म्स में एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए, जैसे पिछले बार किया था भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू x था तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने स्क्वायर को शिफ्ट करके रूट x बना दिया था. अब इस बार वो y का स्क्वायर, y जो चाहिए वो इसमें ऐसे दिख रहा है तो इसके लिए पहले तो मैं इसको उधर भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन लगाना पड़ेगा. तो वो कैसे बनेगा, इससे बनाएंगे y की वैल्यू फाइंड कर लो. मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो सिर्फ y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाओ. तो क्या करूंगा मैं, y स्क्वायर अपॉन 9 यहां रखते हुए इसे ऐसे लिखूंगा, एलसीएम लूंगा 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर, y की वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 बाय 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस, ये है y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू. अब इसका इस्तेमाल यहां होना है. चलो फंक्शन पता चल गया कि क्या है, अब लिमिट. दूसरी बात लिमिट, अभी a टू b में है ना तो हमें a की जगह क्या आना चाहिए, b की जगह वही पता करना है. तो ठीक है ना, आप किस एरिया पे आपका फोकस है, नाम लिख देता हूं o a b, बीच में लिख देता हूं p. तो o a p b इसका एरिया फाइंड करना है. इस o a p b का जो एरिया आपको फाइंड करना है कर्व आपका ये रहा, यहां से लेके यहां तक बंद है, एंड हुआ है ना. तो अब लिमिट अगर आप लगाओगे तो लिमिट क्या होगा, यहां की लिमिट में x की वैल्यू क्या है और यहां की लिमिट में x की वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं. तो मुझे मैं बताता हूं आपको क्या होता है, ये जो x स्क्वायर अपॉन 16 है, ये जो x स्क्वायर अपॉन 16 है
16 को आप लिखोगे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आपके पास और b की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। a क्या होता है, ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को ही तो हम लोग क्या कहते हैं a, और ओरिजिन से वर्टिकल ये डिस्टेंस की रेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं b। जो a और b फॉर्मूले में दिखता है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल, सेमी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज सेमी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां से लेके यहां तक पूरा अगर कोई बोलेगा तो आप बोलोगे इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेकिन उसका अगर हाफ लेंगे तो उसको बोलेंगे सेमी हॉरिजॉन्टल, लेंथ ऑफ सेमी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ए से रिप्रेजेंट होता है। और यहां पे उस ए की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ओ पॉइंट का ओ से, वो कितना है 4 यूनिट्स, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन वाले तो चाहिए ना, वो कवर हो रहा है तो वो होगा 0.0। बी पॉइंट पे बात करेंगे तो बी पॉइंट पे ये होगा आपका यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट्स, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा x का 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है इसलिए x 0 होगा, और y की वैल्यू कितनी है, तो मुझे एक बात बताओ इस पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का y का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट 4 है, तो यानी हमारी जो लिमिट होगी फाइनली वो क्या होगी एरिया की 0 to 4, y की जगह पे आपने वैल्यू निकाली क्या 3/4, बाहर निकाल ले अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अभी अभी कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने, तो बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 to 4, मैं तो ऐसे लिखूंगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा x/2 है ना, x/2 फॉर्मूले में आता है और x की जगह पे x यूज हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर बाय 2, a मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/4 लिमिट फ्रॉम 0 टू अप्लाई कर देते हैं, यहां करूंगा इधर x से यहां भी आ सकती है 3/4। आइए जब सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है, जितने भी लोग नए हैं यहां पे, मतलब जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा स्कूल वाले स्पेशली, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में छोटा सा फर्क होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में जो लिमिट अप्लाई होती है उसे लिमिट, उस लिमिट को अप्लाई करने का एक ये तरीका होता है कि जो लिमिट ऊपर होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं, जो लिमिट नीचे होती है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, और पूरा इंटीग्रेशन जिस तरीके से तुम लोग करते आए हो वो करोगे, करने के बाद में अपर लिमिट की वैल्यू डालोगे पहले पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स है, फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू से, तो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना रहता है बस। तो 4 की जगह यहां पे यहां x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 ओनली, बात समझ में आ रही है, प्लस ये हो गया 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी 1, x की जगह 4 डालेंगे 4/4 1 हो जाएगा, ये हो गई आपके पास वैल्यू अपर लिमिट पर डालने के बाद, अब माइनस लोअर लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, यहां डालोगे तो 0 हो रहा है, यहां डालोगे तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा खत्म, तो मतलब 0 की वैल्यू डाल ली रहे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो पहला वाला पार्ट 0 हो गया, 16 - 16 = 0, 0 × 0 = 0, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये जो बचा है इसको ऐसे लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 3/4 * 8 साइन इनवर्स 1, पता है क्या होता है, शाबाश π/2 होता है, 2 × 2 = 4 × 4, 1 मिनट, ये कितना आया 3π, ये एक रे एरिया का है, एक क्वाड्रेंट का एरिया आया, पूरे इलिप्स का एरिया अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या कर देंगे, देयरफॉर टोटल एरिया is equals to 4 multiply by 12 pi square units,
ये आपका आंसर हुआ। समझ आया सबको? ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है अपने को। जल्दी से कॉपी करिए। इसी के साथ आज की क्लास ये वाली समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जो है वो रात में 9 बजे है, तो जितने लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं कोशिश करिएगा सब लोग रहें, ठीक है, छुट्टी ना मारें। स्कूल वालों को मैं ये बात बोल चुका हूँ कि भैया ये तुम्हारे स्कूल की ही क्लास है, स्कूल के वो 40 मिनट में अपन वो काम नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा। आज गायब कौन है वीसी में, ऑनलाइन में? जतिन, और कोई गायब है? नहीं। ऋतुराज, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दे अपने वाले ग्रुप पे, मैथ्स वाले ग्रुप पे। So that's all from my side, guys. मिलते हैं next class में, यानी शाम को, रात को 9 बजे। Thank you. Bye.